अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस एंड साइकी सीकर, एंड आई होप यू हैव ज्वाइंड द साइकी सीकर चैनल टू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर कम्युनिटी सो दैट यू गेट न्यू अपडेट्स ऑफ द वीडियोस। और आपको जो साइकी सीकर चैनल है वो भी इसी पर्पज के लिए बनाया गया है कि उस पर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ईजी वे में, एंड उसमें आपके लिए लर्निंग जो है वो ईजी बना दी जाएगी ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान हो जाए। और उस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने डायरेक्ट लिंक से ही जाना है उस चैनल पर, बिकॉज आपके नेम के चैनल्स भी लोग कॉपी करते हैं और आपके कंटेंट को कॉपी करते हैं, तो इसलिए आपने नकालों से होशियार रहना है। और जो लिंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपने उसी लिंक से डायरेक्ट जो है जाना है, आपने उस चैनल को विजिट करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, उसको ज्वाइन करना है उस कम्युनिटी को भी, सो दैट यू गेट न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोस ऑन टाइम। एंड दिस वीडियो इज अबाउट फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन, और इसमें PSY 631 जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, इसमें जितने भी MCQs हैं आपके इंपॉर्टेंट या शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको हाईलाइट किया गया है, उसके बारे में गाइड किया जाएगा, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टफ सब्जेक्ट है और इसके कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ईजी है आपके लिए। एंड लेसन नंबर 23 से स्टार्ट है, ये आइटम एनालिसिस का टॉपिक है और आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें कुछ MCQs भी आपको आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व थ्योरी के बारे में MCQs आएंगे, और ये जो हाइलाइटेड हैं आपने जस्ट इनको रीड करना है। और जब आपके पास हाईलाइटेड हैंडआउट्स आते हैं या हाईलाइटेड होते हैं नोट्स वगैरह, देन उसके लिए उसको समझना आपके लिए आसान हो जाता है और आपके एक माइंडसेट बन जाता है आपका कि ये MCQs जो है पेपर में आ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है, सो आपकी प्रिपरेशन जो है उससे अच्छी हो जाती है। और जब आपका माइंडसेट पहले से डेवलप हुआ होता है देन कोई भी MCQs आपको अगर पेपर में आता है देन इजीली आप उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, और क्योंकि आपने उसको पहले से ही कंसीडर किया होता है। सो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी ये कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होते हैं दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और जितने भी हाईलाइटेड हैं जैसे गुड आइटम जो है उसका पॉजिटिव स्लोप होता है या नेगेटिव होता है। एंड नेक्स्ट है बैड और पुअर आइटम के साथ हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एंड नेक्स्ट है मिडिल मॉडरेट स्कोरर्स जो होते हैं, मैक्सिमम प्रोपोर्शन कितनी होती है करेक्ट रिस्पॉन्सेज की, और कौन सी आइटम बैड आइटम है, गुड आइटम कौन सी है, और क्रॉस वैलिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके, और ये MCQs में भी है। नेक्स्ट है श्रिंकेज का कॉन्सेप्ट है और ग्रेटर वैलिडिटी श्रिंकेज जो है वो उसमें सैम्पल साइज कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस किस तरह करते हैं आप, रिव्यू ऑफ आइटम एनालिसिस का रिव्यू है, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स क्या है और उसको किस तरह से किससे डिनोट करते हैं आप, और आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दोनों के बारे में पूछा जा सकता है कि आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स और आइटम डिस्क्रिमिनेशन में क्या डिफरेंस है, और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है उसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से आइटम डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका भी अलग से आ सकता है, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, सो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह कवर हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट चैप्टर इज असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, सो इसमें इंटेलिजेंस का टॉपिक कवर किया गया है, इंटेलिजेंस की थेरीज हैं सारी, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, और सर फ्रांसिस गाल्टन जो है उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी इस हवाले से, कैटल की कंट्रीब्यूशन क्या थी, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। स्पीयरमैन जी फैक्टर थ्योरी दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है ये, और जी क्या होता है, जी फैक्टर किसको डिनोट करता है, जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस और एस जो है वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, ये MCQs आते हैं पेपर में अक्सर, और जी फैक्टर जो है वो किसने प्रपोज की थी थ्योरी, स्पीयरमैन ने, और ये थेरीज जो है इन पेपर में कोई भी थेरी आपको आ सकती है और जिसको आपने एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं ये थेरीज आपको और शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके अलावा ये MCQs में आ सकती हैं कि जो थॉर्नडाइक की सोशल इंटेलिजेंस है उसने कौन सी इंटेलिजेंस पे बात की है, सोशल एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। एंड देन थर्स्टोन का जो अप्रोच है, थर्स्टोन की अप्रोच है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, तो कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, 7 एबिलिटीज हैं, इसको हाईलाइट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें जो डेफिनेशंस हैं इनकी इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs के हवाले से आती हैं,
जैसे कि लॉजिकल एबिलिटी ऑफ डिराइविंग जनरल आइडियाज फ्रॉम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट ये रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है. क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस किसने दी थी, आरबी केटल ने. इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, उसके अलावा उनकी डेफिनेशन आती हैं एमसीक्यूज में, और क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये. एंड देन गिलफोर्ड थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की, और इसमें जो SOI है यानी इसके जो अलग से कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेशंस में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कंटेंट्स में कौन से हैं और प्रोडक्ट्स में कौन से हैं, इसमें से MCQs आते हैं और जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा. मल्टीपल इंटेलिजेंस है, हॉबर्ट गार्डनर्स की अप्रोच है, और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स दिए इन्होंने, 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस का बताया है. इस तरह MCQs आते हैं कि गार्डनर्स ने कितने जो है इंटेलिजेंस बताई हैं, कितनी काइंड्स बताई हैं इंटेलिजेंस की, और वो कौन सी हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है. स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है ये, और ये MCQs में आती है. इस तरह से जितनी भी थ्योरीज हैं सारी थ्योरीज आपने प्रिपेयर करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और जो MCQs हैं उसमें वो भी हाईलाइट करने हैं आपने, उसकी डेफिनेशन देखनी है, और जो दूसरी जो चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं दूसरे वो भी आपने देखने हैं. पियाजेट का व्यू है इंटेलिजेंस, तो वो क्या है. मेयरमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को आप किस तरह से मेयर करते हैं. सबसे पहले जो बिने स्केल है उसको आपने देखना है, वो फर्स्ट स्केल था और वो कब उसने डेवलप किया था, 1905 में. इस तरह से नेक्स्ट जो है उसकी डेवलपमेंट यानी कब हुई थी और उसमें चेंजेस जो है वो कब आए थे और नेक्स्ट वर्जन उसका कब आया था, और ये डेट्स आपने इस तरह से याद रखनी है, MCQs में इंपॉर्टेंट है. और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो किस ईयर में आया था, 1908 में. इस तरह से दूसरी जो रिवीजन है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, वो कब आई थी, इस तरह से डेट्स आती हैं MCQs में. और जो LM का कॉन्सेप्ट है, L से क्या, L स्टैंड फॉर वर्ड और M स्टैंड फॉर वर्ड, इस तरह से आता है. क्वेश्चन आ सकता है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज के बारे में या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है, और उसका फार्मूला क्या है उसको एक्सप्लेन करना है आपने. फिर 1960 की रिवीजन है, उसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन या इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हुई थी, जो इवेंट्स हुए थे आपने उनको देखना है. ये इवेंट्स जो हैं ये भी आ जाते हैं MCQs में. एंड देन 1972 की रिवीजन है, इसमें जो चेंजेस थे, जो सैम्पल साइज था कितना था सैम्पल साइज, और 1986 की जो वर्जन है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, क्या चीज़ें नई आई थी उसमें, और कौन सा कॉन्टेंट जो है उसमें इंक्लूडेड था. नेक्स्ट इसमें से MCQs आते हैं, वर्बल रीजनिंग में कौन सी चीज़ें आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट में कौन सी आती हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या चीज़ें होती हैं. सो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, इसके एडमिनिस्ट्रेशन आप किस तरह से करते हैं. नेक्स्ट है इनमें से आपको आते हैं MCQs 3 ईयर्स का है, 3 ईयर्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और 4 ईयर्स का है तो 4 ईयर्स में क्या कर सकते हैं, हाँ 5 ईयर्स में, 6 ईयर्स में, तो ये एक प्रॉपर जो है वो इन्होंने आपको MCQs देने हैं, और आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये 7 ईयर की एज है या 8 ईयर की एज है, और या फिर इसके अपोजिट भी बता सकते हैं. तो इनमें से एक MCQs जो है वो लास्ट में आता है, और MCQs जो है वो आपको शफल होकर आएंगे, हर स्टूडेंट को अलग MCQs आएंगे. इस तरह हर चैप्टर में से जितने भी पॉसिबल MCQs बनते हैं आपने सबको कंसीडर करना है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं आपने सबको कंसीडर करना है, ताकि कोई सा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी MCQs आ सकता है, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें. वेक्सलर स्केल में से इसमें से भी बहुत से MCQs आते हैं, जिसमें वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल है चिल्ड्रन के लिए, उसकी जो एज है वो क्या है, और जो एडल्ट के लिए उसकी एज क्या है, प्राइमरी स्केल क्या है उसका. इस तरह से ये तीनों स्केल जो है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और इस तरह MCQs में इसमें से आ सकते हैं. और ये किसने डिवेल्प किया था और किस सन में किया था. नेक्स्ट है इसकी जो कैटेगरीज हैं, वर्बल परफॉर्मेंस वर्बल स्केल पे और परफॉर्मेंस स्केल पे क्या है. सो ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्बल स्केल का पॉइंट है या परफॉर्मेंस स्केल का पॉइंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में. मीनिंग्स ऑफ IQ टेस्ट क्या है, इनमें से भी एक MCQs आता है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि अगर 100 उसका IQ लेवल है, IQ स्कोर है, तो वो एवरेज है या सुपीरियर है या गिफ्टेड है.
नेक्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हैं कुछ, जिसमें जो टेस्ट हैं जो बच्चों के हवाले से या एडल्ट के हवाले से, यानी एडल्ट को देखने के लिए कि उसके इंटेलिजेंस लेवल क्या है। वो कॉफमैन का स्केल यूज़ होता है उसके लिए, बच्चों के लिए अलग से है, एडल्ट के लिए अलग से है। इस तरह तीन जो हैं वो उसकी फॉर्म्स हैं। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और देन KBC जो KABC कॉफमैन असेसमेंट बैटरी है फॉर चिल्ड्रन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग साइमल्टेनियस, इस तरह फाइव इसके पॉइंट्स हैं। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और बच्चों की एज क्या होती है इसमें स्केल में। नेक्स्ट है KBT जो कॉफमैन ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस लिए यूज होता है, इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी कंसिडर करना है आपने। इसमें से MCQs भी आएंगे और उसकी ईयर जो है, जैसे कि एज जो है क्या है, 4 to 90 ईयर्स तक है। इसमें हम देखते हैं, यूज करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं इसकी। सो कॉफमैन एडोलसेंट एंड एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारे जितने भी कॉफमैन से रिलेटेड हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सो डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल क्या होता है और इसमें ये कब डिवेलप हुआ था, किसने किया था, ये MCQs हैं। कोर सब टेस्ट इसमें कौन कौन से हैं, इनमें से कोई MCQs आ सकता है। और डायग्नोस्टिक सब टेस्ट क्या हैं और अचीवमेंट टेस्ट क्या हैं। और ये टेस्ट हम किसके साथ यूज़ करते हैं, किस प्री स्कूलर्स बच्चों के लिए हैं, प्री स्कूलर्स एज हैं उनकी बतानी है आपने। और नेक्स्ट है कल्चरल बायसेस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ये ओवरऑल एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कल्चरल बायस होती है इंटेलिजेंस टेस्ट में उसको एक्सप्लेन करना है, उसको आपने डिफाइन करना है। एंड देन सम सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं पर्टेनिंग टू द यूज़ ऑफ IQ टेस्ट, और वो कौन से क्वेश्चंस हैं और ऑल्टरनेटिव फार्मूलेशन क्या है इसकी, कौन कौन सी इंटेलिजेंस हो सकती है, दैट इज़ मॉरल, सोशल, इमोशनल इंटेलिजेंस। इस तरह से इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। और MCQs इसमें से लाजमी आते हैं कि मॉरल इंटेलिजेंस किसने दी थी, सोशल इंटेलिजेंस किसने दी है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे किसने बात की है, इमोशनल इंटेलिजेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जा सकता है, या सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है, या कोई सिनेरियो दिया जा सकता है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सोशल इंटेलिजेंस है या इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पियाजेशन अप्रोच मेजरमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और यहाँ पर जो कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, एंड देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एंड देन जॉन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसके बारे में बात की है इन्होंने, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है इसका। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कौन से होते हैं, और यहाँ ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसका मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी इंपॉर्टेंट है कि पियाजेशन का मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था और किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। और पियाजे का जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो कौन सी है, स्टेजेस कितनी हैं उसमें, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और हर स्टेज जो है वो उसमें से MCQs आता है और पूछा जाता है आपसे, जो परमानेंस का है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो कब डिवेलप होती है। इस तरह से डिफरेंट MCQs आ सकते हैं इसमें से। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और यानी कोई भी स्टेज आपसे पूछी जा सकती है, उसका ईयर क्या था, उसमें एज क्या थी, बच्चों की एज क्या है उसमें, और कौन सी चीज़ें उसमें आप डेवलप हो चुकी होती हैं, लैंग्वेज कब डेवलप होती है। इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करने हैं स्टेज को। ये MCQs में आते हैं, कुछ कंसेप्चुअल MCQs आते हैं इसमें से फिर। और पियाजेशन के जो टास्क हैं वो क्या थे, AB सर्च टास्क था उनका एक, और कंजर्वेशन टास्क वो क्या थे, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होती है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास में आ सकते हैं या नंबर पे या टास्क पे, कंजर्वेशन ऑफ वेट पे भी आ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ये सारे कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने, क्या होता है ये, पर्सपेक्टिव क्या होता है, और कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं और ऑन कॉग्निशन तो वो कौन से हैं, जैसे सोशल कल्चरल फैक्टर है वो भी इफेक्ट करता है हमारी कॉग्निशन को, मोटिवेशन है, कॉग्निशन एंड लर्निंग है, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, इस पर अलग से क्वेश्चन हो सकते हैं। इनको भी आपने अच्छे से रीड करना है। एंड देन इंडिविजुअल टेस्ट हैं ऑफ एबिलिटी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो टेस्ट बनाए गए हैं वो कौन से हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट बनाए गए हैं,
उसके स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। फिर इलियनॉइस टेस्ट है साइकोलिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ के लिए, और इसमें इनपुट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं स्टेजेस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एमसीक्यूज़ भी इसमें से आ जाते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन सी स्टेज है, तो इस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं। और कौन सी एज के बच्चों के लिए यूज़ होता है, उसमें सब टेस्ट कौन से होते हैं, इसका अलग से क्वेश्चन होता है सब टेस्ट क्या। एंड देन वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी है, इनका अलग से टेस्ट है कि हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं। एजुकेशनल बैटरी है तो ये बच्चों में अचीवमेंट जो है उसको मैयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इस तरह से भी एमसीक्यूज आते हैं कि अचीवमेंट मैयर करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है फिर। और इसमें से भी आगे सब टेस्ट हैं, और कॉग्निटिव एबिलिटी है जिसमें अचीवमेंट टेस्ट हैं, और इसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है कितनी होती है, और इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं, अचीवमेंट में मैथ है, लैंग्वेज है, फिजिकल है, सोशल इंटरेस्ट हैं। एंड देन विजियोग्राफिक टेस्ट क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस पर अलग से। बेंडर विजुअल रिटेंशन टेस्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल टेस्ट, ये सारे तीनों टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, या मेमोरी फॉर डिज़ाइन, तो ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कोई सा भी टेस्ट आ सकता है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, और जिसमें से कोई सा भी एमसीक्यूज़ आ सकता है इसमें से। तो आपने वो सारा ये इसको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसको देखना है, और हम ब्रेन डैमेज को चेक करने के लिए या फिर उसमें चेक करने के लिए कि विजुअल मेमोरी में कितनी इम्पेयरमेंट है, तो उसमें बेंटन विजुअल यूज़ करते हैं। इस तरह से आता है कि एज जो है वो 8 होती है उसकी, इस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं। और फिर बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल टेस्ट है, तो उसमें 9 हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्राफिक्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जिसको सब्जेक्ट ने कॉपी करना होता है। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं। मेमोरी फॉर डिज़ाइंस, उसमें क्या होता है, ये टेस्ट क्या मैयर करता है आपकी परसेप्चुअल मोटर कॉग्निशन को। और इसमें जो एज है 8 से 8.5 से 60 ईयर्स तक एज में हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग की डेफिनेशन आती है, एमसीक्यूज़ में आती है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये। और उसमें जो इसके फैक्टर हैं, जैसे फ्लुएंसी है, ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट है सारा, और आपके एमसीक्यूज़ में भी इनमें से कोई डेफिनेशन आ सकती है। एंड वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, और इनका भी सारा ही डेफिनेशन आ सकती है कोई भी, और इनकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस पर आ सकता है पूरा, और इसमें कितने टेस्ट इन्वॉल्व हैं। और इसमें आप क्या चेक करते हैं, रीडिंग, स्पेलिंग, अरिथमेटिक एबिलिटी चेक करते हैं, और यानी ये तीनों ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है ग्रुप टेस्टिंग के हवाले से, ग्रुप वर्सेज इंडिविजुअल टेस्ट क्या होते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट जो आप इंडिविजुअल पे सिर्फ एक पर एडमिनिस्टर करते हैं एट अ टाइम, और ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं, ग्रुप टेस्ट एट अ टाइम आप ग्रुप ऑफ पीपल पे एडमिनिस्टर करते हैं उसको। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्रुप टेस्ट की, और ग्रुप टेस्ट की एग्जाम्पल्स क्या हैं, एडवांटेजेस आते हैं पेपर में, और डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं उसके, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनमें से कोई एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आपने सेलेक्ट करना है कि एडवांटेज क्या है ग्रुप का, और डिसएडवांटेजेस दिए गए होंगे उसमें से उन्होंने कहना है कि एक एडवांटेज है उसको सेलेक्ट करें, और इस तरह डिसएडवांटेजेस जो हैं वो होंगे, और डिसएडवांटेज को भी कहा जा सकता है कि उसको आइडेंटिफाई करें। इस तरह से एमसीक्यूज जो हैं वो डिफरेंट वेज में पूछे जाते हैं। एंड देन ग्रुप टेस्ट एंड बैटरीज हैं, उसमें ग्रुप टेस्ट कौन कौन से आते हैं और इनके नेम मेंशन करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रुप टेस्ट के नेम मेंशन करें या उन बैटरीज के नेम मेंशन करें। तो कोहनमैन का टेस्ट है उसमें, हैनमैन का टेस्ट है, और कॉग्निटिव एबिलिटीज का टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। और ग्रुप टेस्ट जो है इनको आइडेंटिफाई करें, तो इस तरह से एमसीक्यूज आता है ग्रुप टेस्ट जो है वो इनमें से कौन सा है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। इस तरह आपको तीनों के नेम जो है वो आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपने याद रखने हैं, और आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि वो क्या है, और शॉर्ट क्वेश्चन में कोहनमैन का जो टेस्ट है वो अलग से आता है, हैनमैन का टेस्ट जो है वो अलग से होता है, और इसकी रिलायबिलिटी कितनी होती है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देन स्पेसिफिक पर्पज़ टेस्ट, जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए टेस्ट यूज़ होते हैं, स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है, उसकी जो सेकेंड जो फॉर्म है वो क्या है, और किस लिए यूज़ होती है, और इसमें टाइम जो है वो कितना होता है, और इसमें जो तीन हमारे पास हैं फैक्टर्स, वर्बल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, और ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट।
नेक्स्ट है मिलर एनालॉजिस्ट टेस्ट. इसकी जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आती है एमसीक्यूज के हवाले से. ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 100 डिफरेंट एनालॉजी प्रॉब्लम्स अगर हमारे पास होती हैं तो वो कौन सा टेस्ट है, दैट इज मिलर एनालॉजिस्ट टेस्ट. और इस तरह से नॉन वर्बल ग्रुप एबिलिटी टेस्ट भी होते हैं. नॉन वर्बल में आप चेक करते हैं जो नॉन वर्बल जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं. रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी इम्पॉर्टेंट है. और इसमें कितने मैट्रिसेस होते हैं, किस टाइप का ये टेस्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. और इनमें से कुछ एमसीक्यूज हैं. और गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट है. यहाँ पर भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आएगी. आपने सेलेक्ट करना है कि ये टेस्ट है. ये आईपैड कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट है. इसके शॉर्ट क्वेश्चन आता है. इस पर ग्रुप टेस्ट हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस. वो कौन से हैं, उनके नेम्स या उनके एग्जांपल्स जो हैं, या नेम्स पूछ मेंशन करने के लिए कहा जा सकता है आपसे. फिर टेस्ट हैं फॉर यूज इन इंडस्ट्री. वंडरलिक पर्सनल टेस्ट क्या होता है. एंड देन टेस्ट फॉर असेसिंग ऑक्यूपेशन एप्टीट्यूड वो क्या है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है. सो आर्म सर्विसेज में यूज होते हैं जो टेस्ट, वो कौन से हैं. इस तरह उनकी टेस्ट की फुल फॉर्म भी आ सकती है, जैसे ASVAB है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है. टेस्ट फॉर चूजिंग करियर्स, तो वो कौन से टेस्ट हैं जो हम करियर चूज करने के लिए करते हैं. स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक टेस्ट है, ये बहुत फेमस टेस्ट है, इसके बारे में आता है क्वेश्चन. और कुडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे है. इनके ओवरऑल आपसे नेम पूछे जा सकते हैं कि इन टेस्ट के नेम मेंशन करें जो करियर को करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो इनके ओवरऑल नेम भी आ सकते हैं, और इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, और इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ सकता है, और उसने आपने आइडेंटिफाई करना होगा. एमसीक्यूज होंगे इस तरह के. फिर टेस्ट फॉर स्पेशल पॉपुलेशन जो है उसके लिए कौन से टेस्ट हैं. इसमें जो आपके न्यूनेट होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनके टेस्ट हैं. ब्रेजल्टन है, न्यूनेटल असेसमेंट स्केल है. इसमें बच्चे की जो बताए जाते हैं कि कितनी उसकी ड्यूरेशन है, जो एज है उसकी कितनी है, एज ग्रुप कितना है उसका. और एज ग्रुप में आते हैं कि एमसीक्यूज आते हैं एज ग्रुप के हवाले से आते हैं, या फिर उसकी जो एरियाज ऑफ फंक्शंस हैं उसके हवाले से, या एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई होती हैं उसमें बताया. फिर आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है. इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है अलग से, ये इंपॉर्टेंट है. 5 पॉइंट्स हैं इसके ब्रेजल्टन न्यूनेटल असेसमेंट स्केल के. इस तरह से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. यहाँ गेसल इन डेवलपमेंट स्केल हैं, स्केजुअल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. और इसमें जो एज है या सब कुछ ये चीज़ें, या पॉपुलेशन कौन सी है, पॉपुलेशन आ सकती है. एमसीक्यूज में पॉपुलेशन आती है अक्सर कि इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं. तो इन्फेंट्स के लिए और बच्चों के लिए हम गेसल डेवलपमेंट स्केजुअल यूज़ करते हैं, जिसमें 2.5 से 6 साल के बच्चों के लिए हम ये यूज़ करते हैं. सो इसमें स्कोर किस तरह से करते हैं, फाइनल स्कोर क्या है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और एमसीक्यूज में इसमें से बहुत से आते हैं. फिर बेले स्केल है इन्फेंट डेवलपमेंट का, 2nd एडिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है. और 2 से 30 मंथ के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, इस तरह एमसीक्यूज आते हैं. और बाकी इसमें हम क्या मेजर करते हैं, कॉग्निटिव और मोटर फंक्शंस किस टेस्ट में हम मेजर करते हैं, तो वो बेले स्केल है. इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट वेज में, पूछे जाते हैं आपसे, और लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है. ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सफल होकर आएंगे हर स्टूडेंट को, कोई ना कोई एक तो इसमें ज़रूर आएगा. और कैटल इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल है, वो क्या है, जो इन्फेंट्स की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैटल इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल. नेक्स्ट है मेंटली रिटार्डेड की असेसमेंट है, जिसमें विलनर अडेप्टिव बिहेवियर स्केल हम यूज़ करते हैं. और इनका इसका पर्पज़ क्या है, और इसमें से डिफरेंट जो वर्जन है वो क्या है, इसमें डोमेन्स और सब डोमेन्स क्या हैं वो आपने देखनी है. डोमेन्स और सब डोमेन्स एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं. फिर इश्यूज़ क्या हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग के, और ये अलग से क्वेश्चन है. और नेचर वर्सेस नर्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अलग से क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है. मेजरमेंट प्रोसेस क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, और पर्सनैलिटी को डिफाइन करें. एंड देन जेंडर क्या होती है, जेंडर के बाद फैमिली इन्वायरमेंट क्या है. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके, ये नेचर वर्सेज नर्चर में हम डिस्कस करते हैं कि जो नेचर और नर्चर जो है वो किस तरह से उनका क्या रोल है, किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो, और किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्टिंग. पर्सनैलिटी टेस्टिंग में आपने टेस्टिंग देखनी है, यानी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, हम पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए हम यूज़ करते हैं. जो उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं. और जो मेथड्स हैं पर्सनैलिटी के असेसमेंट के लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, और इसमें इंटरव्यू जो है इसमें से आती हैं, एमसीक्यूज आते हैं. और बिहेवियर असेसमेंट है, उसके एमसीक्यूज आएंगे. साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, और 2 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट टेस्ट जो हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट वो कौन से हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये.
फिर अलग से आते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स आपने बतानी है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से हैं या प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, और हाउ इज़ द कॉन्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट डिसाइडेड, किस तरह से हम उसको डिसाइड करते हैं कॉन्टेंट को, और साइकोनॉमिक अप्रोच क्या है, ट्रेट अप्रोचेस क्या होती हैं. नेक्स्ट है ट्रेड थियरीज हैं बेस्ड अपॉन फैक्टर एनालिसिस, उसमें फेमस जो है रेमंड कैटल्स के आते हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर की थियरी आती है. आइजेनिक की डायमेंशंस हैं पर्सनैलिटी की, वो आती हैं. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और ये जितने भी टेस्ट हैं यहाँ पर एडवांटेजेस इसके इंपॉर्टेंट हैं, और नेक्स्ट जो टेस्ट हैं इनके जो डिवेल्प कब हुए थे या फिर किसके लिए डिवेल्प हुए हैं, इसकी फॉर्म क्या है, आइटम्स कितनी हैं, इसमें स्कोर कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं हर टेस्ट जो है वो आपने देखना है. लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें ये चीज़ें आती हैं सारी, कब डिवेल्प हुआ था, किसके लिए डिवेल्प हुआ था, फॉर्मेट उसका क्या है, आइटम्स क्या हैं, तो इससे आपको टेस्ट आइडेंटिफाई करना होगा. और डिवेल्प इन जो है वो डेट्स इसकी लास्ट में याद रखनी है, इनमें से कोई एमसीक्यूज लास्ट में आते हैं कि जो मूनी प्रॉब्लम के चेकलिस्ट है उसकी डेट क्या है, वो कब डिवेल्प हुआ था, उसमें कितनी आइटम्स हैं, इस तरह से आपने इसको देखना है. माइनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री कब उसको डिवेल्प कब हुई थी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं कि इसमें आइटम्स कितनी हैं, और इसमें जो स्केल है वो इंपॉर्टेंट है कि वैलिडिटी स्केल और क्लिनिकल स्केल जो है, और वैलिडिटी स्केल जो है उसमें कितनी टाइप्स के आगे फर्दर जो उसकी कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं, लाइ स्केल, के स्केल, एफ स्केल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है. और इसमें लाइ स्केल जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यानी किसके लिए यूज़ होता है, इसको किसको कहते हैं हम लाइ स्केल, तो इट मीन्स के आपने डेफिनेशन दी गई होगी, आपने आइडेंटिफाई करना होगा एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं. फिर क्लिनिकल स्केल्स हैं, और इनमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा जिसमें हाइपोकॉन्ड्रियासिस हैं, उसमें 33 आइटम, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स का, जिसमें से आपको पूछा जाएगा क्लिनिकल स्केल जो है उसका बताएं, और कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कितनी आइटम होती हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, जैसे हाइपोकॉन्ड्रियास हैं वो फिजिकल कंप्लेंट्स के लिए यूज़ होता है, इस तरह डिप्रेशन है तो वो डिप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, पैरानोया है तो वो उसको सस्पिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, और इतनी उसमें आइटम है. तो ये आइटम्स आपने हर किसी के याद रखनी है, और ये टेस्ट किसके लिए यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है. स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं इसके, वीक पॉइंट्स क्या हैं इस टेस्ट के, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री है, और इसमें इसका डिवेल्प कब हुई थी, किसके लिए डिवेल्प हुई है, और इसका स्केल क्या है, और CPI जो है वो 20 स्केल है इसका, 4 क्लासेस हैं इसमें, इस तरह से MCQs में इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर क्या है, उनमें से कोई से भी फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में. फिर शॉर्टकमिंग्स बतानी है आपने स्ट्रक्चर टेस्ट की क्या हैं, एंड देन प्रोजेक्टिव टेस्ट आते हैं हमारे पास, रोशार्श हैं उसके प्रोसीजर क्या है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का, और TAT है वो किसने बनाया था, किसने डिवेल्प किया था, उसका जो स्कोरिंग है वो क्या है, आइटम्स कितनी होती हैं उसमें, उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या हैं. अदर पिक्चर स्टोरी टेस्ट है, किसने बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था, आइटम्स कितनी हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. इनमें से कोई सा भी MCQs आ सकता है, या ओवरऑल क्वेश्चन आएगा पिक्चर स्टोरीज टेस्ट जो है वो क्या होता है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा कब डिवेल्प हुआ था, कि पॉपुलेशन इसमें क्या है, आइटम्स कितनी होती हैं, इस तरह से. एंड एजुकेशन व परसेप्शन टेस्ट है, वो किसने बनाया था, थॉमसन एंड सन्स ने 1973 में इसको डिवेल्प किया था, ये इंपॉर्टेंट है MCQs. एंड देन स्कूल परसेप्शन है, वो किसने बनाया था, सोलोमन एंड स्टार ने, और कब बनाया था, किसने और कब बनाया था, ये डेट्स जो हैं वो लाजमी इसको कंसीडर करना है आपने. डेट्स आती हैं और कि कब डिवेल्प हुआ था, किसने डिवेल्प किया था, आइटम्स कितनी हैं उस टेस्ट की, पर्टिकुलर टेस्ट जो है, तो काफ़ी सारे टेस्ट हैं, इन सबको आपने देखना है अगर आप MCQs चाहते हैं कि आपका इस लेसन में MCQs जो हैं वो कवर हो जाएं, आपके 2-3 MCQs अगर इसमें से आते हैं ईजिली आप उसको अटैम्प्ट कर सकें, तो आपने ये सारा कुछ कंसिडर करना है कि कब डिवेल्प हुआ था, इसकी डेट्स याद रखनी है हर टेस्ट की अलग से, और इसके आइटम्स कितनी थी, पर्पस क्या था उसका, हैंड टेस्ट है वो क्या है, ये जितने भी शॉर्ट टेस्ट हैं इनको अलग से याद रखना है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं. हैंड टेस्ट क्या है, अरोजन वीक का जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी है वो किसके बारे में है, उसके बारे में बताएं, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं कुछ. वर्ड्स एज प्रोजेक्टिव स्टिमुलाई क्या है, किसने डिवेल्प किया था, कब डिवेल्प किया था, कैंट रोजन ऑफ टेस्ट है, फ्री एसोसिएशन का ये टेस्ट होता है. देन रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है, और इसमें आइटम्स कितनी हैं, स्ट्रॉन्ग वीक और वीक पॉइंट्स क्या हैं इसके.
प्रोडक्शन फिगर ड्राइंग है, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट आपको वैसे ही आ सकता है कि हाउस ट्री पर्सन या टेस्ट के बारे में बताएं और उसको एक्सप्लेन करें वो क्या होता है। एंड देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत ज़रूरी हैं ऑब्जेक्टिव भी और प्रोजेक्टिव टेस्ट के भी, और ग्रुप टेस्ट के भी इसी तरह ही हैं, और उसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी एक एडवांटेज यानी एडवांटेजेस के बारे में पूछा जाएगा या डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछा जाएगा आपसे। एंड देन लेसन नंबर 35 है पर्सनैलिटी मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, किसने टेस्ट जो है वो बनाया था और कब बनाया था और इसमें क्या चीज़ होती है इसको आपने डिफाइन करना है। और इसमें जो मेन चीज़ है उसमें हम यूज़ करते हैं जो पर्सनैलिटी फैक्टर को, 6 कैटेगरीज हैं पर्सनैलिटी फैक्टर की हॉलैंड ने दी थी, वो है इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के हवाले से आ जाता है ये क्वेश्चन। देन स्ट्रॉन्ग कैंपबेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री है और ये कब डिवेलप हुआ था, किसने किया था, पॉपुलेशन क्या है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें। कूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे है, ये भी इसी तरह ही है इसमें कि किसने डिवेल्प किया था, कब डिवेल्प किया था और इसका जो एक कॉन्सेप्ट है कि क्या है ये, किस लिए बनाया गया था टेस्ट। जैक्सन है वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे। इस तरह से आपको कुछ टेस्ट हैं जैसे कि इंटरेस्ट के लिए फाइंड करने के जो टेस्ट हैं या फिर करियर के लिए वो कौन से हैं, तो उनके नेम्स मेंशन करें। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, और इनमें से प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं उनके नेम्स मेंशन करें। इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को एक्सप्लेन करें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के नेम मेंशन करें, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इजी क्वेश्चन भी होते हैं बहुत सारे, और इसमें से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो यही है कि आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा क्वेश्चन और इस टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कैरी असेसमेंट इन्वेंट्री क्या होती है, और इस तरह से MCQs बता दिए मैंने। हॉलैंड ने डिवेल्प किया था सेल्फ डायरेक्टेड रिसर्च, ये आता है क्वेश्चन कि सेल्फ डायरेक्टेड रिसर्च किसने डिवेल्प किया था, MCQs आते हैं। और डिवेल्प फॉर किसने डिवेल्प हुआ था, स्कोरिंग क्या है उसकी, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको सेल्फ डायरेक्टेड रिसर्च के बारे में कि वो क्या है उसको एक्सप्लेन करें। जेंडर बायस को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं आप इंटरेस्ट मेजरमेंट में। एंड देन रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट है, ये रिपीट हो रहे हैं टेस्ट कुछ। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स ओपिनियंस लोकस ऑफ कंट्रोल मल्टी डायमेंशनल हेल्थ एंड सेल्फ एफिकेसी। सो यहाँ पर जो मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से आप एटीट्यूड को मेजर करते हैं, इसमें डिफरेंट जो स्केल्स हैं हम यूज़ करते हैं वो कौन से हैं। थर्स्टोन का है, लिकेट स्केल है, लिकेट स्केल के बारे में बताएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और ये किसने डिवेल्प किया था। एंड देन मेजरमेंट्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, और इस तरह इसने किसने डिवेल्प किया था, ये क्वेश्चन है, MCQs हैं इसमें से। इसमें जो स्केल्स हैं उसके लेवल्स होते हैं, और उसके जो 3 हैं आपके पास जो स्केल्स हैं इसके, फर्दर इंटरनल और पावरफुल और चांस, तो ये इंपॉर्टेंट है। MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ये, और 6-पॉइंट स्केल इसमें हम यूज़ करते हैं। तो पूरे पैराग्राफ में जो क्वेश्चन हैं आपने उसको भी देखना है MCQs के हवाले से। मेजरमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी, तो सेल्फ एफिकेसी को आपने किस तरह से मेजर करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs भी हैं। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है और इसको जो है वो इस तरह आपने करना है, डिफाइन करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जनरल परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी स्केल जो है वो क्या होता है, किस चीज़ को मेजर करता है, किसने डिवेल्प किया था, कब डिवेल्प किया था, उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी असेसमेंट। बिहेवियर असेसमेंट क्या है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन क्या होती है, किस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होती है, हम किस तरह से ऑब्जर्व बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, नरेटिव रिकॉर्ड्स क्या हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, बिहेवियर रेटिंग स्केल्स हैं हमारे पास। सिचुएशनल परफॉर्मेंस मेजर क्या है, इसके बारे में ओवरव्यू आपने देखना है इसका। कॉग्निटिव बिहेवियर असेसमेंट क्या है, व्हाई कॉग्निटिव बिहेवियर टेस्टिंग इज नीडेड, तो इसके जो स्टेप्स हैं 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में भी हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर असेसमेंट के स्टेप्स बताएं, और ये MCQs में भी आ जाते हैं कि उसका पहला स्टेप जो है कौन सा है आइडेंटिफाई करना होगा आपने MCQs में। फियर सर्वे स्केड्यूल क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि ये टेस्ट या स्केड्यूल किस लिए हम यूज़ करते हैं, क्या होता है इसके बारे में आपने उसको डिफाइन करना है। इस तरह इरेशनल बिलीफ टेस्ट होते हैं उनको डिफाइन करना है, और इसमें लिकेट स्केल यानी 5-पॉइंट स्केल हम यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइटम्स कितनी होती हैं इनमें, ये सारी चीज़ें।
किसने यूज़ होता है ये टेस्ट, एंड देन कैनफर है, एंड सेस्लो का फंक्शनल जो अप्रोच है वो क्या है। इसके अलावा जो क्विज़ फाइल्स होती हैं वो भी चेक किया करें लाजमी, और जो प्रीवियस जो क्विज़ वगैरह होते हैं क्विज़ 3 की क्विज़ 4 की फाइल्स जो होती हैं उनको लाजमी चेक किया करें, और जो आपने क्विज़ अटैम्प्ट किया होता है उसके अलावा जो दूसरे बच्चों ने अटैम्प्ट किया होता है उनको एम सी क्यूज़ जो हैं वो शफल होकर आते हैं, और चांसेस हैं कि वो एम सी क्यूज़ आपको पेपर में आ सकते हैं अगर आपको वो क्विज़ में आए हैं, और क्विज़ में जो दूसरे एम सी क्यूज़ जो दूसरे बच्चों को आए हैं वो वाले आपको आ सकते हैं। इसलिए दूसरों के क्विज़ जो हैं वो आपने चेक करने हैं, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि एम सी क्यूज़ किस टाइप के आ रहे हैं, और फर्दर जो है वो आप इसको आपको एक पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी हो गई है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं अटेम्प्ट कर सकते। कोई भी एम सी क्यूज़ आ जाएगा हर चैप्टर में से, तो आप उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, आप उसकी रिकग्निशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इससे आपको भी एक आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेट रेट एंग्जाइटी इन्वेंट्री क्या है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। वेज ऑफ कोपिंग स्केल इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 7 सब स्केल्स हैं इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, या फिर ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, उसमें सब स्केल्स कितने हैं, प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें दोनों के बारे में पूछा जाएगा और दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। कोपिंग इन्वेंट्री क्या होती है, इस तरह सोशल सपोर्ट क्वेश्चनेयर क्या है, इसमें कितनी आइटम्स होती हैं और कब डिवेल्प हुआ था, किसने किया था, स्केल्स ऑफ फॉर स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कि इसमें ड्रिंकिंग लोकस ऑफ कंट्रोल है तो वो कब यूज़ होता है, कितनी आइटम है, वेट लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, परसीव बिहेवियर क्या है, डिजायर्ड कंट्रोल क्या है, इसमें कितनी आइटम्स यूज़ होती हैं, किसने डिवेल्प किया था और कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, उसका लेवल क्या है, 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, उसके सब स्केल्स कितने हैं आगे से फर्दर, हेल्थ इंगेजमेंट्स काउंट जो कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है, असेसमेंट ऑफ परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर्स, ये अलग से सेल्फ एफिकेसी का स्केल है जो स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर को मेयर करता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर मेयरिंग ऑफ फॉर एक्सेसिंग एक्सरसाइज रिलेटेड सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से होता है। न्यूट्रिशन सेल्फ एफिकेसी स्केल क्या है, हैबिट सजेशन क्या है, एब्सटिनेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी क्या है, इसको आपने रीड करना है, इनमें से जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं जितने आपने उनको चेक करना है। देन हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स हैं, अडहेरेंस टू मेडिकल एडवाइस, सेल्फ एफिकेसी, मयरिंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक फॉर जॉब प्लेसमेंट, इसमें आप जो अपनी जॉब प्लेसमेंट के हवाले से जो करते हैं मयर करते हैं पर्सनल सेल्फ एफिकेसी को, इसमें ओसिपो का टेस्ट यूज़ होता है वोकेशनल डायमेंशन का, और इसमें जो हाईलाइटेड है आपने वो चेक करना है, एंड देन रोज का करियर चॉइस टेस्ट है। इस तरह से इनके कोई नेम पूछे जा सकते हैं आपसे कि तीनों नेम मेंशन करें इनके टेस्ट के, फर्स्ट कंटिन्यूम सेकंड कंटिन्यूम क्या है, एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट एंड एजुकेशनल टेस्ट जो हैं वो क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, और हम उसमें अचीवमेंट टेस्ट में वैन हम देखते हैं वट हाउ एंड वैन, वट इज़ टू बी असेस्ड, हाउ टू असेस, वैन टू असेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है अचीवमेंट टेस्ट के हवाले से कि किस तरह से हम अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, असेसमेंट किस तरह से करते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट की, टीचर्स मेड अचीवमेंट टेस्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है चॉइस टाइप ऑफ आइटम्स का या फोर्स चॉइस टाइप ऑफ आइटम्स क्या हैं, एंड देन सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट क्या हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, उसमें हम कौन सी चीज़ें मयर करते हैं, उसमें वर्बल है, क्वांटिटेटिव है, एनालिटिक जो है वो हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं उसके, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मिलर एंड नॉलेजेस जो टेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट वर्सेस एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ग्रेडिंग परसेंट स्कोर एंड रिलेटेड इंटरप्रेटिव इशूज़ क्या हैं, इस तरह से अचीवमेंट और टेबल जो बनाया गया है अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट का डिफरेंस क्या है, इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये मल्टी कल्चरल टेस्टिंग जो होती है, इसमें मल्टी कल्चरल टेस्टिंग जो है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स कौन से हैं जो कि मल्टी कल्चरल बायस को कॉज करते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसमें, उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, लैंग्वेज है, रीडिंग एबिलिटी है, स्पीड है,
जो फैक्टर्स हैं जो हमारे जो कल्चरल बायस को कॉज करते हैं, जैसे कि हर लैंग्वेज जो है, हर रीजन की लैंग्वेज अलग होती है, रीडिंग एबिलिटी अलग होती है, लोगों की स्पीड जो है वो अलग होती है. सो फैमिलियरिटी विद द प्रो फॉर्मेट, स्टाइल एंड कॉन्टेंट्स ऑफ द टेस्ट, ये भी अलग है, ये कल्चरल बायस को सारे कॉज कर रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका. मल्टी कल्चरल टेस्टिंग जो है उसमें क्या कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं दैट आर फ्री ऑफ द बायस, जिसमें बायस ना हो, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. इसमें फिर सम मल्टी कल्चरल टेस्ट होते हैं वो कौन से हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है लिप्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एमसीक्यूज में आती हैं. और ये कब बनाया गया था, इसमें कितना सैंपल लिया गया था, 1940 में डेवलप हुआ था, इसमें एज जो है वो कितनी ली गई थी लोगों की, जो सैंपल था 2 to 20 ईयर्स था. इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. इसमें फोर डोमेन्स कौन सी मैयर करता है ये, एंड देन रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं, और इसमें भी एज और कितनी मैट्रिसेस टोटल होती हैं, गुड इनफ हाइड स्ट्रॉइंग टेस्ट, और ये सारे टेस्ट जो हैं वो पहले डिस्कस हो चुके हैं. एंड देन आईपैड कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, ये ओवरऑल जो है वो आपको क्वेश्चन आता है. और इसमें जो एज लेवल्स हैं एमसीक्यूज में आते हैं कि 4 to 8 ईयर्स हम डिसेबल एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं, 8 to 12 किसके लिए यूज़ करते हैं, और इस तरह हाई स्कूल एज के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं. अडेप्टिव टेस्टिंग एंड अदर इशूज़ कंप्यूटर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन. अडेप्टिव टेस्टिंग क्या है, टू स्टेज अडेप्टिव टेस्टिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट, और इसमें एमसीक्यूज जो हैं, इसमें पायरामिडल जो टेस्टिंग मॉडल है वो क्या होता है. नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज़ क्या हैं टेस्ट में और इंटरव्यू में, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ कौन से होते हैं जो हम असेसमेंट में यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंटरव्यूइंग स्किल्स क्या हैं साइकोलॉजिस्ट के में होने चाहिए जो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि कौन सा जो है वो ट्रेड होने चाहिए साइकोलॉजिस्ट में, स्किल्स होने चाहिए. देन सोशल एथिकल कंसिडरेशन जो हैं वो टेस्टिंग में कौन सी होती हैं. एथिकल इश्यूज क्या हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के, और इसके जो पॉइंट्स हैं आगे, ये भी ज़रूरी हैं. ट्रेनिंग एंड एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट यूज़र की क्या होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स एंड टेस्ट यूज़ क्या है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑनेस्टी एंड ओपननेस इनकी डेफिनेशंस, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर क्या है और इसका कॉन्सेप्चुअल है एमसीक्यूज आ सकता है. केयर विद लेबलिंग, देन नेक्स्ट है इश्यूज ऑफ डिवाइडेड लॉयल्टीज. इश्यूज पर्टेनिंग टू द टेस्ट डेवलपर एंड इश्यूज पर्टेनिंग टू द टेस्ट यूजर इन द डाइवर्स पॉपुलेशन, तो इन पे अलग से क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट है असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग सेटिंग्स. क्लिनिकल काउंसलिंग सेटिंग में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है उसका क्या रोल है और हम कौन कौन से टेस्ट किस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, सो ये सारी डिटेल्स हैं इसमें. और कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं किस पर्पज के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर. देन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट किस लिए यूज़ होते हैं और कौन कौन से न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उनके नेम्स मेंशन करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और उनका जो पर्पज़ है वो क्या है, और ये बैटरीज किस लिए यूज़ होती हैं, बिहेवियर असेसमेंट क्या है, सेल्फ रिपोर्ट बाय द क्लाइंट वो क्या होती है, सॉलिड स्किल्स रेटिंग सिस्टम क्या है, बिहेवियर असेसमेंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल मेजर्स क्या हैं, इवेलुएशन ऑफ वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स. और जो 45 जो चैप्टर है आपका उसमें ओवरव्यू दिया गया है, यानी जितना भी आपने पढ़ लिया है फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट तक, तो 44 चैप्टर्स तक, तो 45 में ओवरव्यू दिया गया है सिंपल, और उसमें कुछ भी चीज़ जो है वो नई ऐड नहीं है, बल्कि पुरानी चीज़ें उनको जस्ट एक्सप्लेन किया है उन्होंने, तो उनको आपने वैसे भी चेक कर लेना है. और यानी इस तैयारी के बाद में उसको आपने कंसेप्चुअल देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हैं या नहीं है. आई होप आई मेड इट क्लियर. और जितने भी क्वेश्चंस थे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में उसको हमने कवर कर लिया है, जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं. सो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो 4 GPA आपका आएगा. और अगर आप इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, और इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो जाएगी, आपका एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा. सारे पॉसिबल एमसीक्यूज को कवर करना है सो दैट कि आपके एमसीक्यूज जो है वो कोई भी मिस ना हो सके. हर चैप्टर
चैप्टर में से आप श्योर हो कि कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है तो आप उसको कर सकते हैं. सो चॉइस में भी आप रखेंगे, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं वो चॉइस में रख सकते हैं आप, कि अगर आपको किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आती और आप कंसेप्चुअल जो एमसीक्यूज हैं अगर वो छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं आप उनको, तो आपके पास चॉइस है 7 एमसीक्यूज की. 40 एमसीक्यूज होंगे, 33 एमसीक्यूज जो हैं वो आपने राइट अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी जो 7 एमसीक्यूज हैं वो आपके चॉइस होंगे, वो कंसीडर नहीं होंगे. सो इस तरह से अगर आप चॉइस 7 एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप चॉइस है आपके पास तो उसका फ़ायदा उठाएं, और बाकी जो है आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो जाएगी. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ताकि बाकी जो है स्टूडेंट्स की उनको भी फैसिलिटेशन मिल जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए और उनको भी एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से पेपर आएगा और किस तरह से उन्होंने करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, और इस तरह से उनकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस चैनल, अगर इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ द वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको अपडेट्स मिलती रहें, सो डू ज्वाइन दिस कम्युनिटी. एंड और जो दूसरी कम्युनिटी है साइकी सीकर, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. सो लिंक से ही आपने डायरेक्ट जाना है, अदरवाइज आप दूसरी अगर नेम उसका लिखेंगे तो नेम्स लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया और कंटेंट वगैरह कॉपी कर रहे हैं. सो आपने जस्ट लिंक से ही जाना है, लिंक से आपने चेक करना है, उस चैनल को विजिट करना है, एंड वी विल डिस्कवर मोर अबाउट साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इन फ्यूचर इंशाल्लाह, एंड वी विल लर्न बेटर, और इसको हम बेटर जो है अंडरस्टैंड करेंगे, इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, इजी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे. एंड दिस इज द मिशन ऑफ आवर चैनल्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर असिस्टेंस, फॉर योर अप्रिसिएशन, फॉर योर इनकरेजमेंट. दिस रियली मेक्स आवर मोटिवेशन इंक्रीज्ड, एंड वी वर्क मोर एंड वी मेक मोर एफर्ट फॉर यू. एंड थैंक यू सो मच अगेन. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.